शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लड़का बच्चा पैदा करना कोई हंसी खेलना है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी की बात है। हमारी बात मानो तो कल के कल ही काले जाना बंद कर दो। आप नानी को बना रहे हैं, जबान तो दे दिया आप कि पड़पोता दे देंगे, लेकिन कब? हमें बहुत काम है। अपने बड़े बुजुर्गों से झूठ बोलना इसने कहाँ से सीखा? हमने कोई झूठा वादा नहीं किया आपसे, बस इस वादे को पूरे करने की शर्त है कि 12 महीने में बच्चा, ये अभी हम पूरा नहीं कर सकते। अम्मा, एक वचन आपने भी दिया था कि ये पढ़ाई कर सकती है, और आपकी इस नई शर्त की वजह से आपका और हमारा दोनों का वचन झूठा पड़ जाएगा। अम्मा बात को समझिए, श्रवणी की पढ़ाई रुक जाएगी, क्या आप हमारी खातिर 2-4 साल इस बात को टाल नहीं सकते? अम्मा अभी हम दोनों जवान हैं, बहुत टाइम है बच्चा पैदा करने के लिए। हम आपसे विनती करते हैं कि अभी अपनी ये जिद छोड़ दीजिए। मान जाइए ना अम्मा। शिबू बेटा, आज हमें पहली बार लगा कि हमने तुम्हारी परवरिश सही तरह की है। तुमने अपनी पत्नी का साथ निभाया, उसकी इच्छा का मान रखा। बस इसी तरह हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना। जाओ, अब सो जाओ, सोई कॉलेज भी जाना है ना। घोर कलयुग नानी, घोर कलयुग। दामाद जी, वचन अब भी निभाया जाएगा, चाहे उसके लिए हमें जो भी करना पड़े। अरे क्या धीरे धीरे कर रहे हो, चलो हाथ बटाओ। क्या हो रहा है ये? अम्मा, अम्मा हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है ये? माँ, माँ क्या हो रहा है ये सब? इन लोगों को अम्मा जी ने बुलाया। जल्दी से बनाओ, पानी निकल गया तो कहाँ फायदा क्या? अम्मा आखिर बनवा क्या रही हो? पानी का कुंड। काहे? सोचा कि 12 महीने राह नहीं देखना पड़े मरने के लिए।
सोने की सीढ़ी तो बनेगी नहीं और न परपोता होगा तो क्या फर्क पड़ता, साल भर बाद मरे और चाहे आज। अब तो हम जल समाधि लेंगे। सुना है समाधि लेने से भी मुक्ति मिल जाती है। क्या? हाँ शिवू, अब तुमको परेशान नहीं करेंगे हम। अपना देह इसी कुंड में त्याग देंगे। अम्मा आप क्या पगला गई है? ए, बंद करो से, छोड़ दे, निकलो यहाँ से, निकलो ना देह खींच के। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। हमने पैसे दिए हैं उनको, शिवो हमको कोई नहीं रोक सकता। हम रोकेंगे और रोकेगी पुलिस। पुलिस? हे भगवान, अपने अम्मा के लिए तो पुलिस बुलवाएगा। हाँ, और कहेंगे उनसे कि आप आत्महत्या कर रही हैं। इस देश का कानून ना आपको आत्महत्या करने नहीं देगा। अच्छा ये बात है तो जाओ, जब बुला दरोगा को, मरने के बाद वैकुंठ तो भेज नहीं पाओगे, जीते जी जेल ही करा दो। हाँ बुलाएंगे पुलिस और आपका ये ड्रामा खत्म करवाएंगे। शिवांश, हमारा फोन दीजिए वापस। छबनी फोन दीजिए, अब इनका ड्रामा खत्म करते हैं, ऐसे नहीं मानेंगी ये। छबनी हमारा फोन दीजिए, क्या कर रही हैं आप ये? तुम क्या कर रहे हो शिवांश? घर की बात घर में संभालने के बजाय पुलिस को बुला रहे हो। अम्मा ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। रास्ता तो तुमने नहीं छोड़ा है हमारे लिए। अपनी बूढ़ी अम्मा के मुक्ति से ज्यादा अपनी दुल्हन की पढ़ाई जरूरी लग रही है। मुंह पे कहो हमारे, कहो कि अम्मा तुम हमारी कुछ नहीं हो। अम्मा आप जानती ये सच नहीं है तो साबित करो। शिवू हमारी बात कान खोलकर सुन लो, हम मरना चाहे तो तुम जितने भी सिपाही बिठा दो, हम जान देकर रहेंगे। लेकिन फिर भी हम तुमको 24 घंटे देते हैं फैसला करने के लिए। 24 घंटों में बताओ अपना फैसला। अम्मा हमको नहीं चाहिए 24 घंटे, आपके लिए हमारी जान हाजिर है, लेकिन आपकी जिद के लिए हम श्रवणी की पढ़ाई नहीं छुड़वा सकते। ये डॉक्टर बनना चाहती है तो डॉक्टर बनेगी। उसके बाद परिवार बढ़ेगा आगे। ठीक है तो कोनो मुश्किल ही नहीं है। जब किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है तो हम जी के क्या करेंगे? अम्मा हम बता रहे हैं आपको। बस कीजिए आप दोनों, बस करो शिवांश, बस करो। लेकिन शरवणी, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, लेकिन ऐसे नहीं, किसी को परेशान करके नहीं, अम्मा का दिल दुखा कर नहीं। अगर हम ऐसे डॉक्टर बन भी गए तो क्या करेंगे बताओ? आप परदादी बनना चाहती है ना, यही इच्छा है ना आपकी? हम आपकी ये इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। रवनी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम करेंगे। अम्मा
अगर ये आपकी जिद है तो हमारी भी जिद है। इसमें हम श्रवणी का साथ नहीं देंगे और ये हमारा फैसला है। हाँ तो देखते हैं किसकी जिद ज्यादा बड़ी है, अम्मा की या पोते की। तुमने हमारी बात 24 घंटे में नहीं मानी तो हम जल समाधि लेके रहेंगे। देखते हैं कौन रोकता है हमें। अम्मा जी ये कैसी जिद है, मान जाइए ना। अपने लाडले को समझाओ, हमको नहीं। रुक कहाँ गए हो आप लोग, चलो काम शुरू करो। 24 घंटे में ये पानी का कुंड तैयार होना चाहिए। शिवांश, ये क्या कर रहे हो तुम? आपका सामान पैक कर रहे हैं, आपको हवेली छोड़ के आएंगे। क्या? पर क्यों? मुझे ना वहीं से कॉलेज चाहिएगा। जब तक अम्मा को सब बुद्धि ना आ जाए आपके लिए ही ठीक रहेगा, वरना वो आपकी बुद्धि भी खराब कर देगी। चलिए शिवांश। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे अपने घर में। अम्मा जो कर रही है उसके बाद भी क्या कर रही है वो शिवांश, क्या कर रही है वो बेचारी। सिर्फ पर दादी ही तो बनना चाहती है ना, पाल लेते उनकी बात। हम एक साल के लिए अपना कॉलेज छोड़ देंगे। नहीं श्रवणी, आपको क्या लगता है कि ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। पहले छठ पूजा, अब ये बच्चा, इसके बाद कुछ नया शुरू हो जाएगा उनका। वो बस आपकी पढ़ाई छुड़वाना चाहती है, बस इसलिए उन्होंने छठ पूजा पे आपकी पढ़ाई छुड़वाने की शर्त रखी थी। वो तो अच्छा हुआ आपने व्रत पूरा कर लिया, इसलिए उनको कॉलेज भेजना पड़ा। और अब ये बच्चे का ड्रामा शुरू हो गया। शिवांश, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, ये बात नहीं है। सिर्फ नहीं, यही बात है। वो एक के बाद एक आपके ऊपर जिम्मेदारी डालती रहेगी ताकि आपकी पढ़ाई छूट जाए, और ये हम अपने जीते जी कभी नहीं होने देंगे। शर्मनी, अम्मा को डर है कि आप हमसे आगे निकल जाओगी और समाज में उनका सर झुक जाएगा। लेकिन शर्मनी, हम जानते हैं हमारी बीवी भले चाहे कितनी तरक्की कर ले, उसका ये हाथ है ना, ये हाथ हमेशा हमारे हाथ में होगा, है ना? तो बस आप ऐसे ही आगे बढ़ के तरक्की कीजिए और हम ऐसे ही ऐसे सीना चौड़ा करके खड़े रहेंगे आपके पीछे। कभी आपको गिरने नहीं देंगे हम, कभी गिरने नहीं देंगे। जब इतना प्यार करते हो हमसे तो हम हवेली क्यों जाए? हम कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। आज शबनी ने ना सब कुछ सीखा है, सब कुछ, लेकिन भागना नहीं सीखा कभी भी। सामना करना जानते हैं हम। और फिर जब तुम हमारे साथ हो तो किस बात की फिक्र? हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, है ना? हाँ।
शिवांश, अगर अगर अम्मा ने सच में समाधि ले ली तो? आप चिंता मत कीजिए, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आप उनकी बातों में मत आइए, वो बस धमका रही है आपको। आप बस चुपचाप देखते रहिए। चुपचाप बैठ के कब तक देखते रहेंगे? तब तो मौका हाथ से निकल जाएगा। अब वही करना पड़ेगा। आई दैया, ये सब ना ही करेंगे हम। देखो 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 राही, हमारी बात को समझो। इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी वाइफ को हम खोना नहीं ना चाहते हैं। हाँ, हम बिल्कुल नहीं खोना चाहते। देखो बात ये है, अगर इन लोगों ने हमका बच्चा नहीं ना दिया, हमारी अम्मा को तुम जानती हो? हमारी अम्मा तो लट पकड़ के खड़ी है कि कब वो दूसरी मेहरारू लाए। ना 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 मालूम ना, हम नहीं चाहते कि हमारी दूसरी बीवी आए, ना मालूम ना। और अम्मा के सामने तो हम कुछ ना कर पाएंगे। मालूम है क्या करे, बताओ तुम ही बताओ। मालूम क्या करे, बताओ। इसीलिए कह रहे, अब बस वही करना पड़ेगा। हाँ हाँ, देखो समझो बात को। नानी को तो हम शीशे में उतार लिए, ये दोनों जो है ना, बहुत ही टेढ़ी चीज है। देखो ना, नानी की बात का भी इनके ऊपर कछु असर ना हुआ है, तो फिर वही करना पड़ेगा। ठीक बना है ना? हाँ, पानी बाहर तो नहीं आएगा। अच्छे से बनाओ, चलो जल्दी जल्दी करो, चलो। हाँ, अम्मा सुबह से यहीं खड़ी है, ना कुछ खाया है उन्होंने ना पिया है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है हम क्या करें। हम बात करें? हमें नहीं लगता कि बात करने का कोई फायदा होगा। अरे तो तुम काहे परेशान हो रही हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? कितनी कोशिश की तुम सिब्बू को मनाने की, हम खुद देखे हैं। हाँ, हम तो सोच रहे हैं कि अब हमें अपने भाई से बात करनी पड़ेगी। क्या कहती हो? अब कहा है ना कि हो सकता है कि वो अपनी बहन की बात ही सुन ले। अब खून तो एक ही है हमारा, है? श्रावणी, हमने कहा ना थोड़ी देर में खाएंगे। भैया हाँ, मैं आप यहाँ देखिए, अगर आप अम्मा के बारे में बात करने आइए तो रहने दीजिए, हम आपस में निपट लेंगे। तो हम कहाँ कछु कह रहे हैं, निपट लेना आपस में। हम तो बस ये निमोना भात लेकर आए थे तुम्हारे लिए, खुद अपने हाथों से बनाए हैं। निमोना भात? आपको कैसे पता कि हमें? काहे कि हमको भी बहुत पसंद है, इसीलिए। हम ज्यादा मिले नहीं है तुमसे, पर हैं तो सगे भाई बहन ही। और अब जब खून एक है तो पसंद कैसे अलग होगी, हैं? चलो अब एक दो और हमारे हाथ से भी खा लो।
श्रावणी ने खाया? अब जब हम ये खाली प्लेट लेकर बाहर जाएंगे ना, तब खाएगी बेचारी, नहीं तो ऐसे तो उसके मुंह में एक भी कौर ना जाएगा। खाओ खाओ भैया, हम तुम्हारी पराई बहन ना है, सगी हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा है? हम खुद अपने हाथों से बनाए तुम्हारे लिए। ये प्यार से बनाए हुए खाने का स्वाद तुम्हारे होश उड़ाने वाला है भैया। अम्मा अम्मा, ये आप क्या करने जा रही हैं? आत्महत्या करना पाप है। एक ही इंसान है ये सारा कार्यक्रम रोक सकता है। कौन कौन है? टिब्बू। शिवांश, दरवाजा खोलो। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।